दोस्तों नमस्कार। एक गांव में एक महिला रहती थी। वो बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। बात बात पर उस पर छिड़छिड़ापन आया करता था। गुस्से में वो कुछ का कुछ बोल जाया करती थी, जिससे लोग उनसे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि उसके जो प्रियजन थे, उसके घर वाले भी थे, वो उससे कट के रहने लगे। और यह बात इस महिला को अखरती थी और यह चाहती थी कि मैं इस क्रोध को ठीक करूँ, कैसे इसका उपचार करूँ, क्योंकि अब तो मेरे लोग भी मुझसे कटने लगे हैं। इसी समय एक उस गांव में एक सद्गुरु का आगमन हुआ और लोगों ने उसे सलाह दी कि सद्गुरु ने इतने लोगों का भला किया है, तू भी जाकर एक बार मिल और उससे अपनी क्रोध की इस दवा को पूछ। अब वह महिला एक आशा के साथ उस सद्गुरु के पास जाती है। सद्गुरु उसकी बात सुनते हैं, जहां वह महिला कहती है कि प्रभु, मैं ये गुस्सा को त्यागना चाहती हूँ, लेकिन मैं त्याग नहीं पाती। जब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने इस स्वभाव को नियंत्रण में रखूं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है जो मेरे मन मुताबिक नहीं होता या जहां पर मैं नियंत्रण नहीं रख पाती, तब मैं अपने नियंत्रण को खो देती हूं और लोगों को भला बुरा करने लगती हूं, सामान तोड़ने फोड़ने लगती हूं, मैं कैसे इस बीमारी को ठीक करूं? सद्गुरु मुस्कुराते हैं और उसे एक शीशी देते हैं और इस शीशी में कहते हैं वे कि इस शीशी में एक दवा है, क्रोध की दवा है। अब जब भी क्रोध आए, तुम इसे लगाकर मुंह से दो घुट इसकी दवा को पी लिया करना। अब वह महिला वह शीशी लेकर वापस आती है और जब भी अब उसे क्रोध आता है, वह तुरंत उस शीशी को निकालकर उसमें से दो घुट दवा पी लेती है और वह देखती है कि धीरे धीरे मेरा क्रोध गायब होता जा रहा है। 7-10 दिन बाद उसकी वह दवा खत्म हो जाती है। फिर वह दौड़ी दौड़ी सद्गुरु के पास पहुँचती है और सद्गुरु से कहती है, प्रभु, मेरी यह दवा खत्म हो गई है और यह कमाल की दवा है। इससे मेरा क्रोध जाता रहा। पिछले 10 दिनों में मैंने बहुत कम क्रोध किया है। मेरी क्रोध की मात्रा बहुत हद तक कम हो गई है। अब सद्गुरु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हे देवी, इस शीशी में और कुछ भी नहीं, सादा पानी है। जब भी तुम्हें क्रोध आता था, तुम इसे मुँह से लगाती थी, तुम्हारा मुँह चुप हो जाता था। और यही क्रोध की दवा है, यही क्रोध का इलाज है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन अगर हम इससे सीखना चाहें तो हम यह सीख सकते हैं कि क्रोध की और कोई दवा नहीं है, मौन ही वह दवा है। अब मौन मतलब चुप रह जाना नहीं, मौन मतलब उस घटना दुर्घटना उस बातों का, लोगों के अनर्गल बातों का, लोगों के बेतुकी बातों का, या जब हमारे मन मुताबिक चीज़ें ना होती हैं, उससे तटस्थ हो जाना ही मौन कहलाता है। आप चुप रहेंगे लेकिन आपके भीतर ज्वाला जलती रहेगी, तो वह ज्वाला अब दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मौन का मतलब होता है जब आप घटनाओं दुर्घटनाओं चीज़ों से ऊपर उठ जाएं, वे न तो आपको प्रभावित करें, न ही उससे आप अपना आपा खोएं, न तो ऐसी घटनाओं से आप बहुत ठहाके लगाने लगें और न ही दुखी होकर बैठ जाएं। वह होता है मौन का मतलब, जब चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती। जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, फिर भी वह पानी से भीगता नहीं, कीचड़ उस पर लगता नहीं, वही मौन हमारे स्वभाव में चाहिए। और यह क्रोध का एकमात्र इलाज है। जब भी ऐसी स्थिति बने तो क्रोध उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि क्रोध अगर उत्पन्न हो गया है तो वह या तो दूसरों को या फिर स्वयं को नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। और यह क्रोध बहुत चालाक है, हमेशा अपने से कमज़ोर लोग पर ही निकलता है, यह अपने से बलशाली लोगों पर नहीं निकलता। वहाँ आप क्रोध नहीं दिखाते, क्रोध दिखाएंगे किस पे? घर वालों पर, या आपके माथा जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उन पर ही आप यह क्रोध दिखाएंगे। और क्रोध आपकी वास्तविकता दिखाता है। जब आप क्रोध में किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं, वास्तव में वह आपके हृदय में होता है। लोग कहते हैं, कह रहे वह तो क्रोधी सीधा साधा आदमी है, बोलकर उस निकल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मॉडर्न साइंस में भी यह सब साबित हो चुकी है बात, और हमारे पुराने फिलोसोफर दर्शन शास्त्रियों ने यह कहा है कि जब भी आप क्रोध में होते हैं तब आप वास्तविक होते हैं। जो जो आपके हृदय में चीज़ें छिपी हुई होती हैं वह क्रोध में निकलती है। ऊर्जा के दो छोर मैंने हमेशा कहा है, प्रेम और क्रोध। प्रेम में भी आप वास्तविक होते हैं। जब आप किसी के प्रति प्रेम में होते हैं तब आप वास्तविक होते हैं, आप में वह शक्ति आती है, आप में इतनी शक्ति आती है, आप इतने कट्टर हो जाते हैं कि आप दुनिया के असंभव से असंभव काम को भी कर जाते हैं।
ठीक वही ऊर्जा क्रोध में भी निर्मित होती है, वह भी आपकी वास्तविकता निकालती है। तो क्यों लोगों के लिए दुर्भावना पालना, क्यों लोगों के लिए भला बुरा सोचना? जब ऐसी चीजें हों, ऐसे लोग आए आपके जीवन में, तब उनसे प्रभावित मत होइए, उनसे संवाद स्थापित मत करिए, उनसे एक दूरी बना कर रखिए। और चीजों, घटनाओं, दुर्घटनाओं, कुछ भी आपके आसपास हो रही है, उससे आप प्रभावित मत होइए, मौन हो जाइए। फिर मैं एक बार कहता हूँ, मौन का मतलब चुप होना नहीं है, शब्दों को विराम देना नहीं है, वह आपके विचारों का भी विराम है, वही वास्तविक मौन है और क्रोध की यह असली दवा है। इसका जरूर उपयोग करें, फिर यह क्रोध रूपी शीशी की जो दवा आप लेंगे, इससे आपके जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप उस घटना, उस लोगों से, उनकी बातों से, उन चीज़ों से प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्रोध कैसा? यह दवा आपको सबल बनाएगी, मजबूत बनाएगी। और क्रोध हमेशा कमजोर लोग करते हैं, जो सबल हैं, जो ताकतवर हैं, जिनमें स्थिति को नियंत्रण करने की क्षमता है, वे कभी क्रोध नहीं करेंगे। तो इस क्रोध की दवा को जरूर आजमाएं, सच्चे हृदय से मौन होइए। फिर कहता हूँ, मौन मतलब चुप होना, शब्दों को विराम देना नहीं है, यह आपके विचारों का, यह आपके साक्षी भाव का उत्पन्न होना, विचारों का विराम होना है। इस तरह से इस क्रोध रूपी दवा का जरूर इस्तेमाल करिए।